नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीवो V90 स्मार्टफोन और रियलमी 6 स्मार्टफोन के साथ करके बताएंगे कि इन तीनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन में ज़्यादा और बढ़िया फीचर्स हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि सबसे पहले बात करें इन तीनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन में आपको 1080x2400 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ 6.4 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जबकि दोस्तों वीवो V90 स्मार्टफोन में आपको 1080x2340 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। वही दोस्तों, अगर बात करें रियलमी 6 स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 1080x2400 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में रियलमी 6 स्मार्टफोन आगे है। और दोस्तों, इसी के साथ यदि बात करें तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इन तीनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यदि बात करें सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके फ्रंट पैनल पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और इसके बैक पैनल पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का लेंस कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। वही अगर दोस्तों बात करें वीवो V90 स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और इसके बैक पैनल पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का लेंस कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। वही अगर दोस्तों बात करें रियलमी 6 स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और इसके बैक पैनल पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का लेंस कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में वीवो V90 और सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन आगे है, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल पर आपको 32-32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन में आपको सैमसंग का ही Exynos 9611 का प्रोसेसर दिया गया है, जबकि वीवो V90 स्मार्टफोन में आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 GHz चिपसेट दिया गया है, जबकि दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन में आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हीलियो G90T का चिपसेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में वीवो V90 स्मार्टफोन आगे है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है, जो कि आपको बढ़िया और अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम के साथ 64GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। वही अगर दोस्तों बात करें वीवो V90 स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज के बारे में, तो इसमें आपको 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है, जबकि दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन में आपको 4GB, 6GB और 8GB रैम के साथ 64GB, 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वही अगर दोस्तों बात करें वीवो V90 स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और रियलमी 6 स्मार्टफोन में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन आगे है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत इंडियन मार्केट में 14,999 रखी गई है, जबकि दोस्तों वीवो V90 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत इंडियन मार्केट में 20 से 25 हजार रुपए के करीब हो सकती है। और दोस्तों, रियलमी 6 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत इंडियन मार्केट में 12,999 रुपए रखी गई है। तो दोस्तों, यदि आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो हमारी नज़र में आप वीवो V90 स्मार्टफोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन का बढ़िया और अच्छा चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आपको बढ़िया और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। और दोस्तों, यदि आप कम बजट में और अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आप सैमसंग गैलेक्सी M31 और रियलमी 6 स्मार्टफोन में से कोई भी एक स्मार्टफोन ले सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन में भी आपको बहुत ही बढ़िया और अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया।